हेलो गाइस, आज हम दोबारा से आ चुके हैं। आज हम नंबर मैजिक फिफ्थ क्लास की बुक का टॉपिक है, जो है आज हम आपको 10th चैप्टर और 9th चैप्टर करवाने वाले हैं, एरिया एंड पेरिमीटर एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो फिर अभी हम आपको पहले थोड़े से बेसिक से फॉर्मूलाज बता देते हैं। ओके, तो हाँ हेलो। ओके, गाइस कुछ देर रुको, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा साइज लंबा करना है। हाँ, अब ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, जिसको पता है कमेंट में बताइए। ओके, लिखिए। तो फिर इसका आंसर है एल मल्टीप्लाई। ओके, मैं एप्पल में कर रहा हूं, तो फिर मेरे को मल्टीप्लाई का साइन मिल नहीं रहा। ये है मल्टीप्लाई का साइन, और कोई मल्टीप्लाई का मेरे को साइन नहीं मिल रहा है। तो फिर ये वाला एक बार आप देख लो, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन है। बाद में नहीं बताऊंगा, कोई अगर कमेंट कर दे। ठीक है, ओके। एल मल्टीप्लाई बी। ओके, हाँ, एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, एल मल्टीप्लाई बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और अब ये आता है हमारा दूसरा फॉर्मूला। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। और दूसरा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ SQUARE। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? ओके, तो फिर हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो होगा हमारा, हाँ, हमारा जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो होगा साइड बाय साइड। मतलब जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर की सारी के सारी सेम साइड होती है, और हम सारी के सारी साइड को दो बार करना है। मतलब ये समझ लो स्क्वायर, ठीक है? तो फिर होगा साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। ये हो गया साइड बाय साइड। तो फिर अब अगले पे आते हैं। अब हमने एरिया का तो कर लिया, एरिया निकालने के लिए एल मल्टीप्लाई भी है और साइड मल्टीप्लाई है, साइड मल्टीप्लाई साइड है। और अब हम आते हैं पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है टू मल्टीप्लाई, ओके, थोड़ा सा बड़ा, टू मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ओ सॉरी, यहां पर ब्रैकेट आना था, ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ओके, टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई एल प्लस
बी एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है हमारे पेरीमीटर का। अभी मैं आपको सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके बहुत काम आएंगे। अगर आपने ये फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं तो फिर आप इन्हें इजीली कर सकते हो, और अगर आपने इजीली इजीली सारे के सारे कर लोगे तो फिर आपके एग्जाम में फुल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब आते हैं हमारे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, नहीं, मतलब पेरीमीटर ऑफ अब हम स्क्वायर का निकालेंगे, तो फिर स्क्वायर का होगा हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड, फोर मल्टीप्लाई साइड। फोर मल्टीप्लाई साइड है फॉर्मूला। ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं। आगे जो फॉर्मूलाज होंगे वो मैं आगे के पेज में लूंगा। तो फिर अभी हम इनसे रिलेटेड अब हम नया नया लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ और आप उन्हें सॉल्व करिए, और यहाँ पर इधर थोड़ा सा लंबा। हाँ चलो। तो फिर अब हम लेते हैं, हो गया। तो फिर सोचो कि अगर एक बॉक्स है, अब ए बॉक्स हैज यहाँ पर आएगा फाइंड दी पेरीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है, आपको पेरीमीटर निकालनी है और इसके अंदर आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ दी गई है। LENGHT, इसकी लेंथ है, लेंथ मानो हम रख लेते हैं इसकी 7 मीटर के रख लेते हैं। ठीक है, 7 मीटर की जब हमने रख ली तो फिर अब हम ये देखेंगे कि ब्रेथ कितनी है। एंड ब्रेथ इसकी है, एक बार अगर मैं सोचूं तो फिर ये आना चाहिए 5। हाँ 5 मीटर का। तो फिर अब मैं क्या करूंगा बताओ, फॉर्मूला याद रख लेना और रट्टा मत मारना।
फॉर्मूलाज में अगर रट्टा मारते हो तो फिर तो पक्का फेल हो गए, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। रट्टा कभी मत मार। तो फिर अभी अभी आपने आंसर अपना अपना निकाल लिया होगा, तो फिर एक बार मैं आपको सॉल्व करके दे। पहले सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट चीज और ध्यान रखना है स्टेटमेंट। अगर आपने स्टेटमेंट नहीं डाली तो फिर आपके 3-4 मार्क्स वहीं कट जाएंगे, मतलब 2 मार्क्स कटेंगे, ज्यादा झूठ बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है? आंसर वन, ओके, आंसर वन, सॉल्व, सॉल्व भी लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो फिर इसे सॉल्व भी लिख सकते हैं, ओके। जो हम ये लिख लें तो फिर पहली स्टेटमेंट लिखनी है, लिख दो वन डॉट, और पहली स्टेटमेंट आपको आपको लिखनी है कि लेंथ ऑफ रेफ्रिजरेटर, LENTH, लेंथ, LENGHT, लेंथ ऑफ रेफ्रिजरेटर। लेंथ ऑफ रेफ्रिजरेटर, लेंथ ऑफ रेफ्रिजरेटर का क्या है? 7 मीटर। 7 मीटर का ये निकल रहा है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर इस तरफ से, ओके। रट्टू बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं इतने ज्यादा आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, रट्टा मारने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली। अरे मेरा माउस पॉइंटर कहाँ है? ओके। और अगला यहां पर हमें लिखना है सेकंड, सेकंड वाला जो है वो होगा ब्रेथ ऑफ रेफ्रिजरेटर, ब्रेथ ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेटर, ओके। ब्रेथ ऑफ रेफ्रिजरेटर कितनी है? ब्रेथ ऑफ रेफ्रिजरेटर ब्रेथ है 5 मीटर, तो फिर यहां पर हम लिख देंगे 5। मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, वरना तो ये जो डिजिट होती है ये बहुत बड़ी होती है। तो फिर अब आप यहाँ तीसरी स्टेटमेंट लिखोगे, तीसरी जो स्टेटमेंट होगी आपकी वो होगी कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटर, तीसरी वाली, पेरीमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेटर। और अब हम यहाँ पर फॉर्मूला, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको फॉर्मूला तो लिखना ही है। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा तो फिर आपके 1 मार्क्स कट सकते हैं, और 1 मार्क्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि क्योंकि अगर अगर आपको टॉप करना है तो फिर 1 मार्क्स बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम आए हैं, और अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये है फॉर्मूला।
तो फिर अब हम क्या करेंगे, वैसे स्लाइड में ज्यादा जगह तो बची नहीं है, तो फिर मैं इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है? जिन्होंने देखी हुई स्किप वगैरह मत करना बिल्कुल भी, अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप करा तो फिर आप मिस कर दोगे, ठीक है? तो फिर मिस बिल्कुल मत करना एक भी चीज, अगर आपने मिस करा तो फिर समझो आप नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना। ये तीन स्टेटमेंट मैंने साइड में कर दी है, ये थर्ड वाली है, इसको नीचे कर देता हूँ। तो अब हम जो जब ये लिख लेंगे तो फिर नीचे एक छोटा सा बना देंगे हम, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब हमें ये सोचना है कि हमारे हिसाब से, हमारा जो अभी चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा 2 मल्टीप्लाई L+B क्या होगा? ये होगा हमारा इक्वल टू, हमारा क्या निकलेगा, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस और 5 ब्रैकेट ऑफ। और अब ये देखना है 7 प्लस 5 क्या है, तो फिर अब हम यहाँ पर दोबारा से लेंगे, और इस बार ब्रैकेट नहीं लेंगे, इस बार ब्रैकेट को हटा देंगे, इस बार थोड़ा सा अलग होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 क्या होता है, 7 8 9 10 11 12 12 होता है, तो फिर हम यहाँ पर 12 कर देंगे, और 12 पे ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं आएगा, मतलब ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले होना था, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो था वो हमारा डायरेक्ट सजेस्टेड नहीं था। जैसे 7 प्लस 5, इसे हम थोड़ा थोड़ी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ये पूरा पूरा बन चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 12 जा 12 2 जा 24, तो फिर पैरीमीटर ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हुआ, 24। और आंसर कैसे लिखना है वो आप अच्छे से देख लो, ANS इक्वल टू 24, ठीक है? समझ गए अच्छे से? अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो फिर आप टॉप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे मैं करता हूँ ना, मैं 5th क्लास में ही हूँ, मैं हर एग्जाम के अंदर टॉप करता हूँ, और अगर आपको भी मेरी तरह बनना है तो फिर आप मेरी वीडियोस एंड तक देखा करो, फुल देखा करो, बिल्कुल ही पकाता नहीं हूं मैं, और पकाने की कोई बात भी नहीं। चलो, तो फिर अब हमने एक ट्राई भी कर लिया, और अब हम क्या, और अब मैं आपको एक एक सवाल सवाल दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप मेरा मेरा मोबाइल नंबर लीजिए, उसके ऊपर मेरे को सेंड कर देना, ओके? और आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा था, मेरे दिमाग में अभी अभी आया था। क्वेश्चन तुम्हारा है फाइंड दी फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ दी ओके पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ दी ओके किसका गुण हाँ पेरीमीटर ऑफ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द बार ऑफ द बार लेंथ LENGHT ओके GH हाँ ओके थोड़ी सी गलत हो गई हाँ लेंथ ऑफ लेंथ लेंथ में सीधा सीधा आपको दे देता हूँ 26 सेंटीमीटर हाँ और एक चीज की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। यहाँ पर अगर आपका पेरीमीटर लिखा हुआ है तो फिर यहाँ पर ये लिखना है। पहले हमें हमने देखा कि ये 7 मीटर लिखा हुआ है तो फिर मीटर है तो फिर हमें 24 मीटर लिखना है यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर सेंटीमीटर है तो फिर सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है एंड ब्रेथ है इसकी और ब्रेथ है इसकी लेंथ कुछ ज्यादा हो गई है लेंथ 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 26 सेंटीमीटर चलो ये वाला आपका आपका क्वेश्चन है और ये थैंक यू आपने वॉच करा अभी मैंने पूरा पूरा टॉपिक का ध्यान पैरीमीटर पे लगाया है और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एरिया पे ध्यान दूंगा और आपको एरिया करूंगा ये है पार्ट 1 पार्ट 2 हम बाद में करेंगे ओके सो टिल देन ठीक है एंड